प्रियंका चोपड़ा का कहना है कलरिज्म है फिल्म इंडस्ट्री में हद से ज्यादा नॉर्मलाइज्ड, और ये भी रिवील किया है कि उन्हें शुरुआती करियर में कंसिडर किया जाता था 10 की। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक धूम मचा रही प्रियंका चोपड़ा का ये स्टेटमेंट कब और कहां सामने आया, वेल ये तो आप इस स्टोरी में आगे देखेंगे ही। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि फेयरनेस क्रीम एंडोर्स करने की बात पर प्रियंका चोपड़ा का क्या कहना है। फेयर फेयर और लवली लवली प्रियंका चोपड़ा भी कभी मानी जाती थी 10 की, ये बात रिसेंटली खुद पीसी ने एक इंटरव्यू में कही है। प्रियंका ने कहा, आई वॉज लाइटेंड अप इन मेनी मूवीज थ्रू मेकअप एंड देन ब्लास्टिंग लाइटिंग। देयर वॉज अ सॉन्ग दैट आई स्टिल रिमेम्बर, इट वॉज कॉल्ड चिट्ठी दूध कुड़ी, विच मीन्स अ गर्ल हु इज एज व्हाइट एज मिल्क, एंड आई एंड दैट बट आई वॉज प्लेइंग हर एंड आई वॉज रियली लाइटेंड अप इन द मूवी। वेल, जब बात निकली फिल्म इंडस्ट्री में कलरिज्म को लेकर होने वाले डिस्क्रिमिनेशन की, तो प्रियंका ने ये भी रिवील कर दिया कि स्टार्टिंग में उन्हें भी कंसिडर किया जाता था 10 की। प्रियंका ने कहा, आई रिमेम्बर व्हेन आई जॉइन मूवीज आई वॉज कंसिडर्ड डस्की, रिटन एज द डस्की एक्ट्रेस, एंड आई वॉज लाइक व्हाट इज डस्की, व्हाट डज इट मीन। और फिर बात निकली तो उन्होंने फेयरनेस क्रीम एंडोर्स करने की बात भी कुछ इस तरह एक्सेप्ट की। प्रियंका ने कहा, I did a commercial for a fairness cream because you are doing a beauty brand. A beauty brand is a really big part of an actress's trajectory and all the beauty brands were selling those creams. Work front की बात करें तो प्रियंका जल्द ही इंटरनेशनल स्पाई थ्रिलर सीरीज सिटाडेल में नजर आएंगी। उनकी ये वेब सीरीज एक बड़े OTT प्लेटफॉर्म पर अप्रैल 2023 में स्ट्रीम होने जा रही है। वहीं बॉलीवुड में पीसी के कमबैक की बात करें तो वो जल्द ही फरहान अख्तर की अपकमिंग मूवी जीले जरा में नजर आएंगी। Get a chance to feature on Zoom TV. Ho ja Zoomify.